शालीमार स्थित जेएसएम कॉलेज भागा के आईकॉम वर्ष 2020-22 बैच के कुल 155 छात्र छात्राओं को अपना भविष्य अधर में लटकता दिखाई दे रहा है। छात्र छात्राओं का रिजल्ट नहीं मिलने से लगातार कॉलेज के चक्कर काटने को मजबूर हो रहे हैं। धनबाद जिला के विभिन्न कॉलेजों में बीकॉम सेमेस्टर के लिए चयन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन इन बच्चों के हाथों में रिजल्ट न होने से दूसरे कॉलेजों में दाखिला न हो पाने की परेशानी इनके चेहरों पर साफ झलक रही है। शुक्रवार को लगभग 20 से 25 छात्र छात्राएं शालीमार स्थित जेएसएम कॉलेज भागा पहुंचकर प्रधानाचार्य से मुलाकात कर उनके समक्ष अपनी बातों को रखना चाहा, लेकिन कॉलेज के प्रधानाचार्य के न मिलने से सभी छात्र चिंतित दिखे। कॉलेज के असिस्टेंट क्लर्क मोहम्मद सिराज अंसारी ने बताया कि कंप्यूटर में टेक्निकल फॉल्ट की वजह से सब्जेक्टिव तो शो कर रहा है लेकिन ऑब्जेक्टिव शो नहीं कर रहा है। 6 तारीख तक का समय मांगा गया है। हम लोग अपने रिजल्ट के लिए आए हुए हैं, हम लोग का रिजल्ट पेंडिंग में चल गया है, अकाउंट्स का नंबर ही नहीं आया है। मेन जो हम लोग ऑनर्स पेपर है उसी का नंबर हम लोग को नहीं दिया गया है, जिसकी वजह से हम लोग कहीं पे एडमिशन नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, सारा साइट बंद हो गया है। उसके बाद जिसको इसके पास फंड नहीं है वो सरकारी में कैसे एडमिशन करवाएगा। यहाँ से बोला जा रहा है कि आप लोग का बीबीएम में हो जाएगा, हम लोग रिस्क लेते हैं, लेकिन जिसको जिसके पास फंड नहीं है, जिसके पास कुछ नहीं है, वो कैसे करवाएगा? उसका एक साल पूरा बर्बाद हो जाएगा, सारे स्टूडेंट्स का लाइफ पूरा खतरे में है, एक साल सबका बर्बाद हो जाएगा। तो अभी प्रिंसिपल सर को कॉल कर रहे, सर भी अभी तक नहीं पहुंचे हुए, सर बोले आ रहे, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा कॉलेज से। अच्छा, तो कितने आप लोग कितने स्टूडेंट्स लोग का जो 155 है सर, हम लोग 155 स्टूडेंट का हम लोग का रिजल्ट फंसा हुआ है। क्लास 9, 10, 11, 10 सब का रिजल्ट आ चुका है। हम लोग का रिजल्ट जो 155 लड़की का रिजल्ट है, उन लोग को आने में इतना लेट हो जाएगा। हम लोग से बाद में सबका रिजल्ट एग्जाम हुआ, सबका रिजल्ट आ गया, सिर्फ हम ही लोग का नहीं आया है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम कोना दत्ता है। अभी हम लोग यही करने आए हैं क्योंकि हम लोग का रिजल्ट नहीं आया। हम लोग 2032 के बैच के हैं, कॉमर्स स्टूडेंट हैं हम लोग। हम लोग का रिजल्ट का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं इससे हेड सर लोग को लग रहा है। हम लोग जब भी आते हैं तब हम लोग को बात को डिले कर दिया जाता है, फोन करते तो कॉल रिसीव किया जाता, बोला जाता है कि 1 सप्ताह के बाद आएगा, 2 सप्ताह के बाद आएगा, 10 दिन के बाद आएगा, लेकिन अभी तक हम लोग कुछ नहीं हुआ है। अभी तक ये कौन सा कॉलेज हुआ? ये कॉलेज जेएसएम हुआ। तो क्या आखिर आपका रिजल्ट क्यों रोका गया, इसका कुछ जानकारी आपको मिला? ये तो हमको कोई जानकारी नहीं, जब भी प्रिंसिपल से बोलते तो तुम बोलते हैं कि तुम लोग का अकाउंट्स का मार्क्स नहीं दिया गया है। अच्छा। अब हमको पता नहीं चल रहा है कि किस लिए रोका गया, लेकिन हम बात करें प्रोसेसिंग में लगा हुआ है। अच्छा, तो इसको लेकर का अभी आप लोग क्या मांगे? अभी हम लोग यही मांगे कि हम लोग का रिजल्ट दे दिया जाए, नहीं तो हम लोग का ये साल बर्बाद हो जाएगा। अब ये साल बर्बाद हो जाएगा तो इसका जिम्मा कौन लेगा? कुल कितने स्टूडेंट्स हैं? कुल हम लोग 155 स्टूडेंट हैं जिनका रिजल्ट रोका गया। हाँ, जिनका रिजल्ट रोका गया। अच्छा, और अभी आप लोग यहाँ पे कितने आए हुए हैं? अभी हम लोग वही नहीं कुछ 20 को आए हुए हैं। ठीक है, तो बाकी और कितना, मतलब क्या आप लोग का डिमांड है? हम लोग को बस यही डिमांड है कि हम लोग अकाउंट्स का थ्योरी का मार्क्स दे दिया जाए। ठीक है, अपना परिचय फिर से दे दिए। मेरा नाम अभिषेक कुमार शाह हुआ, हम रहने वाले हैं झरिया के लक्ष्मी अमोर। यही कह रहे हैं जो ओएमआर जो सीट जो है ना, वो वहाँ पे जैसे कंप्यूटर में शो नहीं कर रहा, ठीक है, उनके कारण वहाँ पे जो अध्यक्ष जो है वहाँ पे उनको हम लोग बात किए हैं। वहाँ पे प्रिंसिपल सर भी गए थे 2 बार, तो वहाँ पे बात किए हैं, तो 6 तारीख का टाइम दिए, 6 तारीख तक अगर नहीं हो पाएगा तो प्रिंसिपल और क्या बोलते जितने भी स्टूडेंट हैं वो सब वहाँ पे जाएंगे, और बाकी जो है जो क्या बोलते सब्जेक्टिव का जो मार्क्स है वो आ गया, वो यहाँ पे हम लोग क्रॉस लिस्ट है वहाँ पे दिखा सकते हैं। जो ओमार जो ऑब्जेक्टिव वाला है उसमें थोड़ा दिक्कत है, जो कंप्यूटर में शो नहीं कर रहा है। असिस्टेंट क्लर्क, क्या नाम हुआ? मोहम्मद सिराज अंसारी।